तो चलिए दोस्तों, 11 मई को बनने वाले हरियाणा के करंट अफेयर्स और हरियाणा की न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ली जाने वाली मार्जिन राशि को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 15%। इसके अलावा 20 किलोवाट तक के कृषि आधारित उद्योगों के लिए बिजली की दर को भी 4.75% कम कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कैदियों की पैरोल को कितने दिन के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ये लिया है 6 हफ्ते के लिए। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं हरियाणा की आज की न्यूज। हरियाणा में 9 दिन में दोगुने हो रहे हैं कोरोना के मामले, दिल्ली बॉर्डर पर जारी रहेगी सख्ती। चीन से हटने वाली कई विदेशी कंपनियों पर हरियाणा की निगाह, 60 बड़े निवेशक सरकार के संपर्क में। विद्युत अधिनियम विधेयक 2020 के मसौदे को मंजूरी, किसानों के खातों में सीधी जाएगी सब्सिडी, उद्योगों को और बेहतर मिलेगी बिजली। हरियाणा में कई जगहों पर तेज तूफान के साथ हुई बारिश, दिन में छाया अंधेरा, 13 मई तक पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर। करनाल के 3 चावल निर्यातकों पर 411 करोड़ की धोखाधड़ी का केस, सीबीआई में दर्ज हुआ मामला, 6 बैंकों के गठजोड़ से 411 करोड़ का लिया था लोन। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 703, जिनमें से 300 हुए ठीक, मरने वालों की संख्या हुई 10। सोनीपत में पॉजिटिव मरीजों का हुआ शतक पूरा। अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध में डाल रहे हैं अड़चन। रोहतक में प्रशासन ने दूसरी श्रमिक ट्रेन से भेजे प्रवासी मजदूर, ट्रेन में ही होगा खाने पीने का इंतजाम। शिक्षा मंत्री गुर्जर ने दिए स्कूल खोलने के संकेत, ऑड इवन की तरह चलेंगी क्लासेज। फरीदाबाद में 5 बसों में 150 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को सरकार ने यूपी भेजा। हिसार में एक युवक की नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट पर उलझा रहा विभाग, डीसी बोले रिपोर्ट मामले की पुलिस करेगी जांच। सोनीपत में स्कूल को स्थायी मान्यता देने के नाम पर 3 लाख रुपए मांगने के आरोपी डीईईओ ने किया सरेंडर। रोहतक जिले के 3,600 हरे कार्ड धारकों को आज मिलेगा राशन। रोहतक में आज से पीजीआई एम्स में शुरू होगी सुपर स्पेशलिस्ट की ओपीडी। यमुनानगर से भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा है कि गेहूं की फसल का 800 करोड़ रुपए किसानों को जारी करे सरकार। दिल्ली से पिता कुलाने वाला युवक निकला कोरोना पॉजिटिव, यह निकला महेंद्रगढ़ जिले का 5वां केस। भिवानी में इमरजेंसी में भीड़ और कोरोना फैलने से रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने फ्लू कॉर्नर में बनाई ट्रीटमेंट स्लीप विंडो। भिवानी के जेबीटी मास्टर और उसके 2 बच्चों की रिपोर्ट निकली कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। फतेहाबाद में 50 हॉर्स पावर ट्यूबवेल के कनेक्शन वाला किसान नहीं लगा सकेगा धान, फिलहाल रतिया में इसकी संख्या है 825। झज्जर से आज 2800 प्रवासी श्रमिकों को किया गया बिहार व यूपी के लिए रवाना। मौसम वैज्ञानिक हरियाणा में 15 मई तक लगातार मौसम में गड़बड़ी की संभावना जता रहे हैं। कैथल के गोदामों में बरसात के दौरान गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए हटाई गई तिरपाल, डीएम ने कहा जांच कर लिया जाएगा कड़ा एक्शन। जींद में आज से मंडी में आम जनता नहीं खरीद सकेंगी सब्जी, रेहड़ी वालों से खरीद कर चलाना होगा काम। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा करंट अफेयर्स और हरियाणा न्यूज। दोस्तों, अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स से संबंधित ज्यादा जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल, क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7270 18380 पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिले दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।